सो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार वीडियो। मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो हमारे इमरजेंसी बल्ब होते हैं जिनके अंदर बैटरी लगी होती है, इस वाले बल्ब को आप कैसे बनाना सीख सकते हैं मात्र 1 से 2 मिनट में। और सबसे बड़ी बात करते हैं कि अगर आप इस तरीके के मटेरियल को लेके, चाहे रेडी लेते हैं कच्चा माल लेते हैं, आज की डेट में इसकी इतनी भरपूर डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर इनकी ब्राइटनेस और क्वालिटी की भी बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्वालिटी में क्या फर्क है। ये जो हमारा प्राइस होता है, इसका स्टार्टिंग प्राइस मात्र 45 रुपए से आपको इमरजेंसी बल्ब मिल जाता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं जो 1 साल की गारंटी के साथ जो आपको इमरजेंसी बल्ब मिलता है, इसको आप किस तरीके से बना सकते हो और कितने रुपए का प्रोडक्ट होता है, बाजार में किस तरीके से आप इसको सेल कर सकते हैं। तो वीडियो का आखिर तक जरूर बना रहिएगा। और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि कोई भाई अपना बिजनेस करना चाहता है तो उस तक ये वीडियो पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात करने वाले कि जो इसके अंदर लगने वाला होता है, आपका ड्राइवर पीसीबी होता है जो कुछ इस तरीके का होता है, जिसको हम ड्राइवर पीसीबी का सेट बोलते हैं। ये हमारा जो ड्राइवर होता है, इसमें सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, काफी अच्छी क्वालिटी का होता है। इसके बाद ये हमारी हो जाती है पीसीबी जो इसके साथ लगती है। अब इसके साथ ये तो हमारे ड्राइवर पीसीबी का सेट हो गया, फिर आती है इसकी बैटरी जो कि आपको मिलने वाली है 2200 mAh की एक्साइड की जेन्युइन बैटरी जो आपके बल्ब का बैकअप बना के रखेगी 2.5 से 3 घंटे का। इसके बाद आती है हमारी हाउसिंग सेट। हाउसिंग सेट में आपको 3 चीजें मिलती है, एक डिफ्यूजर, एक रिंग इस तरीके का और एक हाउसिंग जो कि नॉर्मल आपकी पीबीटी या पीसी की होती है। इसके बाद आपको मिलता है कैप। तो दोस्तों अब मैं सबसे पहले शुरू करता हूं कि सबसे पहले हमें इस रिंग में अपनी पीसीबी को लगा देना है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है पीसीबी को, सबसे पहला प्रोसेस यही आता है कि जो हमारी पीसीबी है उसको इस पे लगा दिया जाए। गाइस ये हमने यहाँ पे पीसीबी को अपनी को रखा और इसके बाद स्क्रू ड्राइवर मशीन की मदद से हम यहाँ पे इसको टाइट कर देंगे। तो गाइस हमने इसको स्क्रू ड्राइवर मशीन की मदद से यहाँ पे इसको टाइट करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आपने देखा हमने इस स्क्रू ड्राइवर मशीन की मदद से, ये जो हमारा स्क्रू ड्राइवर मशीन होता है, इस मशीन की मदद से हमने इसके तीनों स्क्रू टाइट कर दिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है, नेक्स्ट प्रोसेस में आपको ड्राइवर पीसीबी को आपस में कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा इस पर फ्लक्स लगा लेना है। इस फ्लक्स से क्या फायदा होता है कि जो हम सोल्डरिंग करते हैं वो काफी अच्छी तरीके से बहुत जल्दी आसानी से हो जाती है। एल माइनस और एफ, यहाँ पीसीबी पे देखेंगे एल प्लस, एल माइनस और एफ ऊपर की तरफ, तो यहाँ ड्राइवर पे भी सेम यही लिखा होता है। एफ वाली जो वायर है ये वाली आपकी येलो कलर की मिलेगी और एलईडी के प्लस माइनस ब्लैक और आपका रेड मिलेगी। तो अब हमने इसको जो हमारी, अब हमने क्या किया है कि जो हमारी वायर है उसको हमने इसमें इंसर्ट कर दिया पीसीबी के अंदर और इसके बाद हमें यहाँ पे इसको सोल्डरिंग कर देनी। तो गाइज ये जो प्रोसेस है इतना सिंपल प्रोसेस है, कोई भी भाई अपने घर बैठ के मात्र 1 बार की ट्रेनिंग में 1.5 मिनट के अंदर इस बल्ब को तैयार कर सकता है। ये देखा हमने यहाँ पे सोल्डरिंग कर दी, इसके बाद हमने एफ वाला पॉइंट लगा दिया, फिर इसके बाद एलईडी का प्लस और माइनस वाला पॉइंट, तो हमने यहाँ पे दोनों पे सोल्डरिंग कर देंगे। तो गाइज हमने अपने ड्राइवर पीसीबी को कनेक्ट कर दिया एफ वाले पॉइंट पे, येलो और ब्लैक और रेड को हमने एल प्लस और एल माइनस पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्ट होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे जो हमारी बैटरी होती है इस तरीके की लिथियम बैटरी जो मैंने आपको बताया 2200 mAh की, इसको यहाँ पे जो कनेक्टर का पॉइंट दिया गया है, बैटरी का यहाँ कनेक्टर है, प्लस माइनस उस पर लिखा हुआ है और हमें इसको कनेक्टर के अंदर फिट कर देना है। बहुत इतना ईजी सिंपल स्टेप है दोस्तों कि कोई भी भाई अपने घर कर सकता है। इसके बाद जब हमने बैटरी को लगा दिया तो हम इसको एक बार चेक करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारा बल्ब ग्लो करना शुरू कर दिया, ये हमारा डीसी पे काम कर रहा है, देखो इतनी सारी एलईडी ग्लो कर रही है और काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस के साथ। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल स्टेप है। गाइस इसके बाद जो हमारी हाउसिंग होती है, उस हाउसिंग में जो हमारे एसी के मेन वायर पे हमारे कनेक्शन लगने वाले, उसको एक तरफ यहाँ पे निकाल देते। इसके बाद हमें जो हमारी बैटरी थी, बैटरी को बॉडी के अंदर आपको इस तरीके से फिट करना है कि ये बिल्कुल फिटमेंट इसकी हो जाए। ये रहा हमने अभी इसके अंदर बैटरी लगा दिया और बैटरी लगाने के बाद बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है गाइस। उसके बाद दोस्तों हमें कुछ इस तरीके से थोड़ी सी डबल टेप लेनी है जो हमारे ड्राइवर पीसीबी पे लग जाएगी। उससे क्या होता है कि कोई शॉर्ट सर्किट होने का चांस या थोड़ा बहुत हिलना डुलना जो होता है वो बंद हो जाता है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे लगाई डबल टेप और इसके बाद हमने अपने बल्ब को यहाँ पे बंद कर दिया है, जो हाउसिंग के अंदर हमने इसको फिट कर दिया। और हाउसिंग के अंदर फिट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा और हमें इसको बॉडी को बिल्कुल शानदार तरीके से ऐसे इसको लॉक कर देना है। और जैसे ही इसकी कड़क देसी आवाज़ आती है तो ये लॉक हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने वायर को आपस में टच किया तो ग्लो करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों हमारा एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि हमें अब इस पर कैप लगा देना है। कैप लगाने के लिए आपको इस तरीके से कैप के अंदर अपनी वायर को इसको निकाल लेना है और वायर को निकालने के बाद आपको बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप है, कोई भी भाई अपने घर पे इस वाले काम को इस तरीके से बल्ब को अपने बना सकता है या इस काम को अपने घर से स्टार्ट कर सकता है। इसके बाद आप देखेंगे तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, बड़े आसान तरीके से बहुत ही सिंपल स्टेप है, आपको जो हमारा कैप है उसकी जो आइज़ है उसको बना देना है। यहाँ पे आप देखेंगे जो सोल्डरिंग है
कैप को हमने यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया है दोस्तों। ये देखेंगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप इस चीज़ को सोल्डरिंग कर सकते हैं, बहुत ही आसान और शानदार तरीके से ये काम आपका हो जाता है। और ये हमारा सोल्डरिंग हो गया है यहाँ पे। अब सोल्डरिंग होने के बाद यहाँ पे आपने देखा कितनी अच्छी फिनिशिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद आप देखते गाइस हमारा बल्ब बनके यहाँ पे रेडी हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से डिफ्यूजर लगा देना है और ये हमारा जो बल्ब है ये ग्लो कर रहा है। अब दोस्तों जब हमारा बल्ब सोल्डरिंग होने के बाद तैयार है, डिफ्यूजर लगने के बाद तैयार है, यहाँ पे आप देखेंगे काफी अच्छी ब्राइटनेस के साथ ग्लो कर रहा है। अब इसके बाद ये जो हमारी मशीन होती है कैप लॉकिंग मशीन, इस कैप लॉक मशीन की मदद से यहाँ आपको इसको लॉक कर देना है इमरजेंसी बल्ब के कैप को। अब दोस्तों आप देखेंगे किस तरीके से ये लॉक हो गया है। 12 पिन की मशीन आती है जिससे इसको लॉक कर दिया गया और हमारा बल्ब बनके पूरी तरीके से तैयार है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मात्र 1 से 2 मिनट के प्रोसेस में आप इस बल्ब को तैयार कर सकते हैं। ये वाला जो बिना गारंटी वाला है इसको भी सेम इसी प्रोसेस से, बहुत ही सिंपल प्रोसेस से आप इसको कर सकते हैं। कोई भी भाई जो पढ़ा लिखा भी नहीं है वो भी इस आइटम को बड़े आसान तरीके से बना सकता है और अच्छा खासा मुनाफा अर्न कर सकता है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से हमने एक AC DC बल्ब को या इमरजेंसी बल्ब जादू बल्ब को किस प्रकार से हमने बनाया। कोई ज़्यादा आपको इसमें कुछ टूल नहीं चाहिए होता है, एक इस तरीके की स्क्रू ड्राइवर मशीन चाहिए होती है, ये आपको कैप पंचिंग मशीन, कटर और आयरन, शोल्डर पेस्ट, शोल्डर वायर और इस तरीके की डबल टेप की नीड होती है। तो जो भी भाई इस बिजनेस को करना चाहता है हमारे स्क्रीन के दिए नंबर पर हमें कॉल कर सकता है, क्योंकि इस तरीके के प्रोडक्ट्स और उनको बनाने की पूरी जानकारी, टेक्निकल डिटेल आपको मिलती है SS पावर ग्रुप पर। तो फटाफट हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भाई बिजनेस करना चाहता है हमारे स्क्रीन के दिए नंबर पर हमें कॉल करें और अपना ऑर्डर बुक कराएं। आई होप सो कि ये बिजनेस आइडिया आपको काफ़ी पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दे। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी लोगों से एक नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।